कैसे हो सब? तो यार आज की वीडियो एक ऐसे इंसान पे होने वाली है जो कि अभी यूट्यूब का एक राइजिंग क्रिएटर है और उसका नाम है मिथपैट यानी मिथिलेश पालकर, जो कि एक यूट्यूबर के साथ एक मिमिक्री आर्टिस्ट और एक बहुत ही अच्छा गेमर भी है। और अपने फनी अंदाज के कारण उनकी वीडियोस लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। आज हम उनके बारे में जानेंगे, तो जल्दी से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मिथपैट यानी मिथिलेश पालकर के बारे में, जो कि इधर भी बहुत ही तेज़ी से यूट्यूब पे फेमस हो गए और उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी लोगों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। उनके कमाल के बोलने के स्टाइल और साथ ही साथ कई सारे एक्टर्स की मिमिक्री करने के कारण लोगों के लिए वो बहुत ही तेज़ी से पॉपुलर होते गए और लोग भी उनके इस फनी अंदाज को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। शुरू में तो उन्होंने अपना फेस रिवील नहीं किया था, वो एक मास्क पहनकर ही अपनी वीडियोस अपनी फनी अंदाज में बनाया करते थे और हाल ही में कुछ सालों पहले उन्होंने अपना फेस रिवील कर दिया, जिसके बाद से उनकी पॉपुलैरिटी कुछ ज़्यादा ही लोगों में बढ़ गई। मिथिलेश पालकर का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1988 को मुंबई महाराष्ट्र में। मिथिलेश बचपन से एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ चाइल्ड थे और वो ज़्यादा बच्चों से दूसरे बात करना पसंद नहीं करते थे, वो अपने ही में रहते थे और उन्हें गेम्स और वीडियो गेम्स खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद था और इसी की वजह से वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ गेम्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे और वही आगे जाकर उनके लिए करियर का ऑप्शन भी बना। हालांकि वो पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, इसकी वजह से घर वाले भी यानी उनके माँ बाप भी उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थे। एक बार जब वो अपने 11th स्टैंडर्ड में थे और उनके कॉलेज में कुछ फेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आने को थे, उन्हें ये बात तो पता थी लेकिन उस दिन वो कॉलेज से अपना मैथ्स का असाइनमेंट जमा करने गए थे और वहाँ जाते ही उन्होंने देखा कि ऑडिटोरियम में कुछ फंक्शन चल रहा है और इसीलिए उन्होंने भी सोचा कि जाकर देखा जाए कि वहाँ चल क्या रहा है। उस दिन वो बिल्कुल भी अपने सादे कपड़ों में गए थे, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सारे लोग अपने कॉस्ट्यूम्स और डिज़ाइनर क्लॉथ पहन के आए हैं अपनी परफॉर्मेंस को देने के लिए। वहाँ जाकर वो अपने दोस्त के बगल में बैठ गए और परफॉर्मेंस लोगों की देखते हुए उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या मैं भी जाऊँ और सबको मिमिक्री करके दिखाओ, और उनके दोस्त ने कहा कि हाँ चला जा। और उसी के बाद उन्होंने वहाँ पर सोलो परफॉर्मेंस के लिए अपना नाम इनरोल करवा दिया। और उन्होंने अपना नाम तो इनरोल करवा दिया बट उन्हें स्टेज पर जाने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जैसे तैसे हिम्मत जुटा के वो वहाँ पर गए और शाहरुख की मिमिक्री करके अपना स्टार्ट किया और जब उन्होंने अपना डायलॉग एंड किया तो लोगों को उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा तालियां उनके लिए बजाई और इसी के बाद से उनका इंट्रोवर्ट में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया था और वो अब लोगों के सामने आने से उतना डर नहीं रहे थे। अपनी 11th स्टैंडर्ड के बाद 12th कंप्लीट करने के बाद वो इंजीनियरिंग के लिए बाहर चले गए और वहीं से अपने CS ब्रांच से अपनी इंजीनियरिंग करने का फैसला किया। हालांकि वो एक अच्छे इंजीनियर बन के काफ़ी पैसा भी कमाना चाहते थे लेकिन साथ ही साथ उनके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी जाने का काफ़ी ज़्यादा मन था और इसी के चलते उन्होंने 2008 में अपना चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम था मिथपैट। उन्होंने चैनल तो स्टार्ट कर लिया बट उन्हें ये नहीं पता था कि उस पर क्या कॉन्टेंट डाला जाए और इसी के बाद वो मिमिक्री के साथ साथ गेम्स खेलना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। उन्होंने शुरू तो मिमिक्री से किया और अपने सारे दोस्तों को वो वीडियो शेयर कर दी, उनके दोस्तों को भी वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई जिसके बाद उनके 50-60 सब्सक्राइबर तो उनके दोस्त ही जुड़ गए थे और उसके बाद उन्होंने मिमिक्री के साथ गेमिंग कंटेंट भी बनाना शुरू कर दिया। और इसी के बाद उस वक्त तक GTA में डोरेमोन और नोबिता का मॉड आया था और वो डोरेमोन के साथ साथ काफ़ी सारे कार्टून कैरेक्टर्स की मिमिक्री करने की भी कोशिश करते थे और उन्होंने उसे अच्छी तरीके से सीख भी लिया था, जिसके बाद उन्होंने डोरेमोन और नोबिता की आवाज़ में ही GTA खेलना शुरू कर दिया और लोगों को भी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। उसी के बाद उन्हें न्यूयॉर्क पर अपने मनाली ट्रिप के लिए जाना था जिसके कारण उन्होंने अपनी 2-3 वीडियो पहले से शेड्यूल कर ली थी और उसे बना कर रख दिया था, जिसके साथ वो एक ऐसी वीडियो बना रहे थे जिसका नाम था डोरेमोन ऑन द न्यू ईयर्स ईव और उन्होंने ये सोचा कि ये वीडियो तो न्यू ईयर ईव पर ही अपलोड होनी चाहिए और उन्होंने जैसे तैसे करके कुछ ही घंटों में वो वीडियो बना डाली जो कि बेसिक एडिटिंग से उन्होंने कंप्लीट की थी। और जब उन्होंने न्यू ईयर पर वो वीडियो अपलोड किया और वही वीडियो जिनमें सबसे कम एफर्ट डाला था वही वायरल हो गई और उसी के बाद से मिथिलेश पालकर को लोगों की नज़र में आने का मौका मिला और इसी के बाद से मिथिलेश पालकर कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और वहीं से उनकी वीडियोस वायरल होनी शुरू हो गई और उनके चैनल पर भी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो गया। आज मिथपैट इंडिया का एक सबसे पसंदीदा गेमिंग चैनल है और लोग भी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और ये सब हो पाया बस मिथपैट यानी मिथिलेश पालकर की हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से जो उन्होंने अपने यूनिक कॉन्टेंट क्रिएशन में लगाई और यही बात उन्हें बाकी कॉन्टेंट क्रिएटर से अलग बनाती है।
तो होप आप सभी को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और इसे लाइक भी कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे एक अगली अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।